माय डियर स्टूडेंट, डिबेंचर की मीनिंग, डिबेंचर के टाइप्स को समझने के बाद शुरू करना है डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आपने इश्यू ऑफ सेल्स से रिलेटेड सारी एंट्रीज समझ ली है तो ध्यान में रखिएगा, तो ये चैप्टर आपका डिबेंचर बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि लगभग उसमें से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किए, खाली नाम बदल गया है। वहाँ पर शेयर का यूज़ होता था, शेयर कैपिटल यूज़ होता था, और यहाँ पर हम डिबेंचर नेम का यूज़ करेंगे। बाकी एंट्री वही सेम जैसे करते थे, जैसे शेयर को अलग अलग किस्तों में अलग अलग कॉल में मांगा जाता था, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फनल कॉल हो गया, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही डिबेंचर को इशू किया जाता है, और डिबेंचर का कॉल अमाउंट भी वैसा ही होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन होता है, डिबेंचर अलॉटमेंट होता है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल है, डिबेंचर फाइनल कॉल भी हो गया। जिस तरह से शेयर्स के ऊपर पार होता था प्रीमियम, यहाँ पर भी उसी तरह से। तो मैंने कहा था कि डिबेंचर को तीनों केस में इशू किया जा सकता है। डिबेंचर का जो इशू है, इशू एट पार होता है, इशू एट डिस्काउंट भी होता है, और इशू एट प्रीमियम भी होता है। आज की इस क्लास में इन तीनों ही केस के क्वेश्चन में बता रहा हूँ विद इलस्ट्रेशन, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लगभग सारे केस के दी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो वन होगा वो एट पार का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है डिस्काउंट का है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है प्रीमियम का है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, आपके हाथों में बुक होना चाहिए, बुक हाथ में ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन भी बुक में दिया हुआ है। आपको केवल समझना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन है, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। दो ही बार में पैसा मांगा जा रहा है, जहां पर एप्लीकेशन में मांगा गया है ₹30, और सारा का सारा बाकी जो पैसा है अलॉटमेंट मांगा गया है कहाँ पर, ₹70 अलॉटमेंट में। ठीक है, दो कॉल में सारा पैसा हो गया, कोई अलग से कॉल वॉल नहीं है। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया था, पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000। अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होते हैं तो कोई एडजस्टमेंट, जितना हमारे पास सब्सक्राइब हो रहा है हम उनसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सारी क्वेश्चन सारी कैलकुलेशन अब 9,000 के हिसाब से ही होना है आपका। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आ जाएगा, 27,1,2,3,4 और 9,63 2,70,000 और 6,30,000 एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी होगी। आपसे कह रहा है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड एग्जीबिट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट ध्यान में ये रखना है कि जो डिवेंचर होता है ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। इसका मतलब ये जब बैलेंस शीट में जाएगा हमेशा सेकेंड पॉइंट किसमें, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर की पहली हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो होगा बैलेंस शीट में। किस तरह से होगा देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपके बुक में है। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन कितना होगा, 9,000 डिबेंचर है और एप्लीकेशन में मांगा गया ₹30, यानी कि 2,70,000 रुपये। जब 2,70,000 की बात करेंगे तो ध्यान में ये रखना है कि जो पहली एंट्री होगी बैंक से रिलेटेड, क्योंकि पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000 पहले एंट्री नरेशन, एप्लीकेशन मनी फॉर 9,000 डिबेंचर रिसीव्ड। ओके, इसके जस्ट बाद वहां पर हम शेयर कैपिटल की एंट्री करते थे, लेकिन यहां पर शेयर कैपिटल नहीं होता, यहां पर डिबेंचर्स अकाउंट होते हैं, लास्ट में एस जोड़ देते हैं। सो यर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट ट्रांसफर हो गया। इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट का कितना पैसा कॉल किया गया है, बचा हुआ सारा कि ₹70 मल्टीप्लाई बाय 9,000, तो टोटल हो जाएगा 6,30,000। 6,30,000 को पहले ड्यू करो, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट ड्यू हो गया। जैसे अमाउंट ड्यू होता है उसके तुरंत बाद उतने अमाउंट को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान में एक चीज रखना कि डिबेंचर से पहले ये जो परसेंटेज है ये भी आपको मेंशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब ये परसेंटेज क्या बोलता है, ये परसेंटेज है डिबेंचर के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिबेंचर के बदले में कितना इंटरेस्ट पे किया जाना है। तो डिबेंचर के आगे का परसेंटेज हर बार हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी होता है।
तो हमें सारा पैसा रिसीव हो गया, 9000 डिवेंचर हम के एप्लीकेशन आए थे, 9000 के सारे पैसे भी आ गए। इसको अब शो करना है कहाँ पर, दैट इज बैलेंस शीट में। जैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्योंकि ये डिवेंचर एक तरह का लाइबिलिटी होता है, तो डिवेंचर के अमाउंट को हम शो करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के दूसरे पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट होता है यहाँ पर, ये दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में पहला हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और टोटल अमाउंट कितना होगा, 9 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज 9,012% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इज, मल्टीप्लाई कर दो तो 9 लाख। ये 9 लाख पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, और 9 लाख रुपए पूरे आ भी गए, उतना ही पैसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हैंड टू हैंड हम शो कर देंगे। ठीक है, चाहो तो आप नोट नंबर डाल दो, पहला नोट का ये हो गया, दूसरे नोट का ये हो गया। तो डिवेंचर का अमाउंट हमेशा वापस शेयर कैपिटल में लिखते हैं शेयर का, और यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, राइट। यहाँ नहीं कोई डाउट होता ना, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा किसका, ये क्वेश्चन है डिस्काउंट का। और डिस्काउंट की एंट्री करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और डिस्काउंट हमेशा बिजनेस के लिए लॉस होता है, और लॉस हमेशा होता है डेबिट, यानी कि ये जो अकाउंट है हम डेबिट करेंगे किसके साथ, जैसे प्रीमियम होता है अलॉटमेंट के साथ, ये एंट्री बेसिकली हमेशा अगर कुछ ना इन्फॉर्मेशन देता है अलॉटमेंट के साथ इसकी एंट्री की जाती है। जैसे क्वेश्चन दे रहा, देखिए कि टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड इशू 10,012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। तो हमारा 100 रुपये का है, डिस्काउंट 5 रुपीज़ है, यानी कितने रुपए में इशू किया गया, 95 रुपीज़ में। पेबल एज अंडर एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ है, और अलॉटमेंट में 55 रुपीज़, यहाँ पर भी दो कॉल में। तो 40 एंड 55, दैट इज़ 95। इसका मतलब जो डिस्काउंट है वो किसके साथ है, यहाँ पर है 55 + 5 होना चाहिए था, इसका मतलब ड्यू अमाउंट 60 है, और ये जो 5 रुपीज़ का क्या है, दैट इज़ डिस्काउंट है। ठीक है, ध्यान में रखना कि 95 होना चाहिए, दोनों मिला के 95 है, तो 5 रुपये कहाँ गया, 5 रुपये डिस्काउंट का होगा। डिस्काउंट किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ होगा। आगे क्या कह रहा है, शो द जनरल एंट्रीज एंड इंक्लूडिंग दोज कैश एज्यूमिंग डेट ऑल द इंस्टॉलमेंट वर ड्यूली कलेक्टेड, शो द रिलेवेंट पोर्शन इन बैलेंस शीट। ये मान के चलना है कि सारा पैसा आ गया है, हमें बैलेंस शीट भी शो करना है जनरल एंट्री के साथ साथ। तो सबसे पहले जो हम जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री भी ध्यान दो, एप्लीकेशन में कितना रुपए कॉल किया गया था, यहाँ पर एप्लीकेशन पे कॉल किया है 40 रुपीज़, कितना रुपए, 40 रुपीज़। तो ये हो गया 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई कितने एप्लीकेशन है, 10,000। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज़ कितना आ गया, 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ की हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, दिस वन 4 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन की एंट्री होने के बाद सेकेंड एंट्री में हम ट्रांसफर करेंगे, डिस्काउंट उसके बाद आएगा, एप्लीकेशन में कोई एडजस्टमेंट अपन नहीं है। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, उसके तुरंत बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। और जो एडजस्टमेंट होता है अलॉटमेंट का, कितना पैसा है, 55 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो कितना आना चाहिए, 5,50,000। तो जो डिस्काउंट का कितना हो गया, 5 रुपये मल्टीप्लाई बाई 10,000, इसका मतलब कंपनी से कितना रुपए का डिस्काउंट हो गया, 50,000। इस 50,000 की एंट्री करनी होगी हमें, कैसे करेंगे, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग 5,50,000 रुपये आना चाहिए, और कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, डेट इज़ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर डेबिट लिखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 50,000, और टोटल हो गया 12% डिबेंचर्स अकाउंट, दैट इज 6 लाख। और जब रिसीविंग की अमाउंट होगी, कि डिस्काउंट का पैसा मिलता नहीं है, तो जब रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,50,000, तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,50,000, इसका मतलब 50,000 का लॉस हो गया। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लॉस होते हैं, हमें होता है, तो एंड ऑफ द ईयर इस लॉस को रिकवर किया जाता है किससे, अगर हमारे पास प्रीमियम दे रखा है तो प्रीमियम से, या फिर किससे, स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर प्रीमियम अकाउंट दे रखा है तो प्रीमियम से करेंगे, अदरवाइज देखिए एंट्री जब करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर दिया हुआ है तो अदरवाइज स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
जितने का लॉस हुआ था उतना टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। हमेशा अगर डिस्काउंट है तो उसको राइट अप भी करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस से या सिक्योरिटी प्रीमियम में, जो कि इंफॉर्मेशन दिया कुछ नहीं दे रखा है, तो स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखेंगे आप। समझ में आ गया, डाउट है तो जरूर बताइए। अब उसके बाद हमें इसको बैलेंस शीट में शो करने के लिए कहा गया है। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बनाएंगे हम क्या चीज, क्योंकि रिजर्व है यहां पर, क्या चीज है, रिजर्व है, और जो रिजर्व वो भी किसका है, नेगेटिव बैलेंस है, तो रिजर्व है सरप्लस में हम कितना, ये जो है 50,000 का नेगेटिव बैलेंस है, और उधर हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉरोइंग में कितना होगा 10,000, 100 रुपीज़ के हिसाब से 10, और उसमें से हमने क्या कर दिया है, डिस्काउंट को माइनस कर दिया है, तो ये हो गया 9,50,000। तो शेयर रिजर्व अकाउंट दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, और नॉन करेंट लॉन्ग टर्म बॉरोइंग में कितना अमाउंट शो कर दिया, 9,50,000, और इतना ही पैसा कैश में आ रहा है उतना ही हम कैश में शो कर दो, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म बॉरोइंग सेकेंड हेडिंग के अंदर आता है, रिजर्व सरप्लस में कुछ बचा हुआ है नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने लॉस को डायरेक्ट वहीं से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, कि लॉस को राइट ऑफ कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लिया, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट में डाउट होता है ना जरूर बताइए, क्योंकि अक्सर बच्चों को बैलेंस शीट में शो करने में डाउट होता है। अब यहाँ पर होता है थर्ड पॉइंट, दैट इज थर्ड पॉइंट जो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्या होता है, कैरिड होता है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये भी हमेशा किसके साथ एंट्री किया जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड इंडस्ट्री लिमिटेड इशू 2000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी कि टोटल हमारे पास कितने का हो गया, ये 110 रुपए का डिवेंचर हो गया, जहाँ कॉल किया गया एप्लीकेशन पर 50 एंड अलॉटमेंट पर 60, 50 या 60 100 होता है, इसका मतलब 60 में क्या है, ये 50 प्लस 10 हो गया 50 रुपए हो गया डिवेंचर्स का, 10 रुपीज़ हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। और आगे कह रहा है द डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, रिकॉर्ड द जनरल एंट्री एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट। हमें भाई सेम उसी तरह जनरल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो जब जनरल एंट्री करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन का देखेंगे, एप्लीकेशन का 50 रुपये और 2000 हमारे पास डिवेंचर है, तो कितना पैसा आ जाएगा, 1,00,000 रुपये। सबसे पहले एंट्री कर दो एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज़ टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000 रुपीज़ फर्स्ट एंट्री। उसके तुरंत बस को ट्रांसफर कर दो डिवेंचर्स अकाउंट में, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री ड्यू करेंगे अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में कितना रुपीज़ है, 60, 50 प्लस 10, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2000 ये हो जाएगा हमारे पास 1,00,000, और 10 मल्टीप्लाई बाई 2000 दैट इज ये हो गया 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब इसकी एंट्री करनी है कैसे करेंगे, दैट इज 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000, डिवेंचर्स अकाउंट 1,00,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि प्रीमियम का मतलब पैसा ज़्यादा आना है, और डिस्काउंट का मतलब पैसा कम आना है, तो प्रीमियम जब एंट्री करेंगे टोटल अमाउंट आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट विद प्रीमियम, देखिए 20,000 के साथ टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और प्रीमियम का अमाउंट शो होता है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में। अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ये हो गया बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला हेडिंग हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का अंडर शेयर होल्डर फंड, और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जा रहा है, 20,000। ये कौन सा 20,000 है बेटा, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 20,000 रुपये, देखो ये 20,000 रुपये। उसके बाद डिबेंचर का सारा पैसा रिसीव हो रहा है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 2,00,000 रुपीज़। इस 2,00,000 को हम लॉन्ग टर्म बॉरोइंग के अंडर में लिख देंगे। अब सब कुछ मिला के टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, 2,20,000। तो सब कुछ एंट्री कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि एसेट्स के अंडर में आता है, ये बैलेंस शीट बन गया। अगर इन तीनों क्वेश्चन में जरा सी कन्फ्यूज़न होता है आपको जरूर बताइएगा, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ आपके यहाँ पर, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टा के थ्रू कर सकते हैं, इवन मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। कोई भी डाउट बस मन में मत रखिएगा, मुझसे पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू एंड बाय।